जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जावा वर्सेस जावा इस्क्रिप्ट जावा और जावा इस्क्रिप्ट में क्या अंतर है इस बारे में चर्चा करेंगे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा काफ़ी छात्रों को जावा और जावा इसक्रिप्ट एक जैसी नज़र आती हैं जबकि ये दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट हैं आइए समझते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस सबसे पहला जो अंतर आता है वो ये है कि जो जावा है ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जबकि जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपसे पूछता है कि जावा किस प्रकार की लैंग्वेज है तो आपको टिक करना रहेगा ऑब्जेक्ट बेस्ड ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट बेस्ड इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है तो डिफरेंस सबसे पहला ये आप कह सकते हो कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसका मतलब कि वो लैंग्वेज ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है ओप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल होता है हालांकि यहाँ पर जो एस है इसके डिफरेंट फुल फॉर्म होते हैं वहीं अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड है इट मीन्स कि वे वो ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है नंबर दो अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इट मीन्स कि उसमें बिल्ट इन ऑब्जेक्ट नहीं होंगे क्या होगा उसमें बिल्ट इन ऑब्जेक्ट नहीं मिलते हैं लेकिन अगर कोई लैंग्वेज ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो वहाँ पर आपको बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं मीन्स पहले से बने बनाए ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं जैसा कि आपने यूज़ किया होगा विंडो डॉट अलर्ट आपने अलर्ट मेथड का यूज़ किया होगा आपने प्रिंट कराया होगा हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पर जो विंडो होता है ना ये एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है आई होप कि आपको समझ में आया होगा अगला डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सबसेट है ठीक है तो आपको यहाँ से ओरिएंटेड और बेस्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा अगला टर्म आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो ध्यान दीजिए सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जबकि सारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती हैं अगला डिफरेंस जावा इज़ आ कंपाइल्ड लैंग्वेज इट मीन्स कि जो जावा का कोड है उसको पहले कंपाइल किया जाएगा कंपाइल करने पे बाइट कोड जनरेट होगा दिन उस बाइट कोड को जे पर रन कराया जाएगा और जे का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन होता है जबकि जावा स्क्रिप्ट का कोड एक इंटरप्रिटेटेड होता है मीन्स यहाँ पर कोड को लाइन बाई लाइन डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है अगला टर्म आता है कि जावा इज़ आट्ट्रॉली टाइप्ड लैंग्वेज इस्ट्रांगली को हम बोल सकते हैं स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज इट मीन्स कि जब आप जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को कंटेन करेगा उसका डेटा टाइप क्या रहेगा ये भी आपको डिक्लेयर करना पड़ता है तो जो जावा है ये स्ट्रांगली जिसे आप प्यार से बोलते हो स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है वहीं जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक लूसली टाइप्ड लैंग्वेज है या बोल सकते हो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है या बोल सकते हो वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है इट मीन्स कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्रिएट करते समय आपको ये बताना नहीं पड़ता है कि वो वेरिएबल किस प्रकार की वैल्यू को होल्ड करेगा आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगला जो यहाँ पर डिफरेंस आने वाला है दैट इज़ थर्ड फोर्थ पॉइंट कि जो जावा का प्रोग्राम होता है जो भी आप जावा की फाइल सेव करते हो उसका फाइल एक्सटेंशन डॉट जावा होता है जबकि जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल का फाइल एक्सटेंशन डॉट जे होता है जो जावा स्क्रिप्ट है इसका कोड इंटरप्रिटेट कि, किया जाता है जबकि जावा का कोड सबसे पहले कंपाइल होता है कंपाइल करने के बाद इंटरप्रिटेट होता है अगला पॉइंट आता है कि जो जावा है इसमें थ्रेड बेस्ड अप्रोच होती है कॉन करेंसी के लिए जबकि यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में कॉन करेंसी है अप्रोच उसके लिए वो है इवेंट बेस्ड आपने यूज़ किया होगा ऑन क्लिक आपने यूज़ किया होगा ऑन होवर ऑन माउस आउट तो ये सभी क्या हैं ये सभी इवेंट हैं अगला डिफरेंस जो यहाँ पर आने वाला है दैट इज़ कि जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे सन माइक्रो सिस्टम में डेवलप किया गया था जबकि जावा स्क्रिप्ट को नेट में डेवलप किया गया था अगर आपको हेलो वर्ड या कोई मैसेज प्रिंट करना है तो चूंकि जो जावा है ये एक ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बनानी होगी क्लास दिन क्लास के क्लास बन, बनाने के बाद ही आप कोई प्रोग्राम टाइप कर सकते हो तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक क्लास क्रिएट की और क्लास का नाम रखा हमने ए देन आप ब्रैकेट के अंदर आओगे जिस प्रकार से आप लोग सी लैंग्वेज में लिखते थे मेन फंक्शन उसी प्रकार से जावा का जो प्रोग्राम होता है उसमें भी मेन फंक्शन रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वहीं से कोड एग्जीक्यूट होना शुरू करता है तो हमने यहाँ पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन और यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप का एक आर्ग्यूमेंट एरे देन यहाँ पर लिखना होता है सिस्टम क्लास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पर जो भी मैसेज आपको प्रिंट करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे देन यहाँ से आप ब्रेकेट को क्लोज कर दोगे जबकि जावा स्क्रिप्ट की सहायता से प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर एच एम एल का जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो आपको लिखना पड़ेगा देन आप यहाँ पर आओगे और लिखोगे स्क्रिप्ट टैग और इसमें मेथड यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड तो आपने यहाँ पर देखा जो ये कोड है ये जे एस का कोड है जबकि यहाँ पर जो आपने कोड देखा था वो जावा का कोड था दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जो जावा है ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज है मीन्स ये अपने आप ही कोई भी काम कर सकती है जबकि आपने यहाँ पर देखा कि हमें जावा स्क्रिप्ट का कोड एच के साथ में लिखना पड़ा ऑटोमेटिकली जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है आई होप कि आपको यहाँ से जावा Java और जावा स्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा आपके पास कोई क्वेरी है तो आप उसे कॉमेंट कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को ये जावा स्क्रिप्ट का कंप्लीट कोर्स चाहिए ज्वाइन करना है तो आप ये मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो सिंपली आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना है जो आप मोबाइल नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है जय हिंद वंदे मातरम थैंक यू